लाइव क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल लेकर। तो मेरे साथ में हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमारा ऑफिशियली है इसे टेलीकॉम, और ये है 28 अक्टूबर का बैच। मेरे साथ में है युगल कुमार। युगल कहाँ से आप? झारखंड से। झारखंड में कहाँ से आप? चतरा। मुझे बताइए युगल, झारखंड से जबलपुर कैसे आए? सर मुझे ना मोबाइल की शॉप खोलनी थी एक्चुअली, और रिपेयरिंग की काम करनी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए। आप पहले काम करते थे क्या? मैं टेलीकॉम में काम करता, मतलब जियो टेलीकॉम। अच्छा। आप मैं टेलीकम्युनिकेशन के अंदर थे, बट अब मोबाइल रिपेयरिंग में नहीं थे, खोलते खालते कुछ नहीं थे। यहाँ पर पीसीबी पे कभी काम नहीं किया? सच बताइए। नहीं। आपने यहाँ पे लाइव क्या क्या काम किया? लाइव पावर एसी और लाइव सीपीयू किया। और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल लेकर। आपने लाइव में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा बताओ, चलो ठीक है, आईसी तो चलो ठीक है, रगड़वा कर लगवा भी सकते हैं। सर्किट नॉलेज का क्या, और एमएमसी का क्या, मिलन सर के बारे में क्या बोलना चाहोगे, दुर्गेश सर के बारे में क्या बोलना चाहोगे, थोड़ा डीपली सर? जो आप जो देते हैं यहाँ का बेसिक, जी बेसिक बहुत जरूरी है। हाँ जी। और अगर बेसिक अगर नहीं लेते हैं तो आगे का सर्किट हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। और ये जो दुर्गेश सर जो दिए हैं वो सॉफ्टवेयर को सॉफ्ट तरीके से ही बताए बिल्कुल। और विलन सर भी मस्त दिए हैं, वो ना इंड बता दी। आप लोगों ने तो शुरू किया और उन्होंने एंड पहुंचाया। हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर हमारा पढ़ाने का जो कंसेप्ट है, जैसे सपोज बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बड़े बड़े में मैं बोलना चाहूँगा कि क्या होता है, वो अगले दिन दो दिन के बाद में एमएमसी निकाल लेते हैं, या तो वो बोलते हैं सवेरे सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे शाम को हार्डवेयर पढ़ाएंगे, इस तरह से वो काम करते हैं, फिर कभी भी एमएमसी चालू कर देंगे, कभी कुछ भी निकाल देंगे, क्या ऐसे बेस पे काम करते नहीं कभी सीख पाते क्या? नहीं, पढ़ाने का एक शेड्यूल होना चाहिए। बिल्कुल, जो शेड्यूल यहाँ मिला शुरू से कंपोनेंट से, आपने पहले बेस पकड़ा ना, उसके बाद में सर्किट में गए ना, फिर लास्ट में आईसी में गए, आईसी आइडेंटिफिकेशन सीखा हमने, हर चीज सीखी यहाँ पर, तो सर्किट को ट्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे सर। और सेट डायग्नोस कर पाएंगे? वो भी कर लेंगे। यहाँ पर जाने के बाद क्या प्लानिंग? सर शॉप खोलनी है। हाँ जी, शॉप खोलनी है यहाँ पर, एक दो महीना तो अपने ऊपर भी काम करनी है। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद आगे की प्रोसेस चलेगी। बताइए टूल कितना इम्पोर्टेंट है एक टेक्नीशियन के लिए? टूल बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना टूल के तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो एक तरह से सर्जरी करने का मशीन है उसी में। चलो एक वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहूँगा और उसे भी पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हमको कॉल करते हैं और हमसे बोलते हैं कि सर मैं बहुत जुगाड़ करके पैसे लेके आया हूँ, कैसे भी कैसे करके मैंने ये बेचा वो बेचा, सोना चांदी बेच के मैं आपकी फ़ीस तो जमा कर दूंगा। हम ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो उनका रीज़न ये रहता है कि हम उनसे बोलते हैं चलो ठीक है कैसे कैसे करके तुम हमारे फीस तो जमा कर दोगे, पर उसके बाद यूएफआई का टूल खरीदने के लिए, माइक्रोस्कोप का टूल खरीदने के लिए तुमको पैसे की जरूरत है, वो कहां से लाओगे? सपोज अगर कोई स्टूडेंट यहां से 2-3 महीने तक टूल नहीं खरीदता है तो बताइए क्या हो सकता है? सर सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो रहा है, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते आप सब लोग? एक बार घुमाओ यहां पर, बताइए ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मैं आज इस वीडियो के थ्रू मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इस फील्ड को देखकर ना खुजली होती है, ऐसा लगता है कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये होता है। मैं भी किसी चीज़ को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, तो कहीं से भी है ना जुगाड़बाजी करके आप पैसे लेके आके आप फीस तो जमा कर लोगे, पर मेन कंसेप्ट यहाँ पर भी हम आपको बातों से तो ना सिखा रहे हैं, यहाँ टूल से सिखा रहे हैं। आप देखो यहाँ घुमाओ, ये देखो ये जो टूल्स है ना, ये टूल से सिखा रहे हैं, ये देखिए ये टूल लगे हुए हैं। और अब अगर देखिए इधर देख, अगर सपोज आपके बाद में यूएफआई नहीं होगा, आपके पास में कोई फोन आया और उसमें अगर एमएमसी पे अटका हुआ है तो उसको बनाओगे कैसे? विदाउट टूल आप कुछ नहीं हो, और अगर आप टूल नहीं खरीदोगे यहाँ से जाने के बाद 2-3 महीने तो आप जीरो हो जाओगे। जीरो कंटिन्यूस वर्क जरूरी है कि नहीं जरूरी? बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसके बाद तो मास्टर कहलाता ही है ना। मास्टर क्या होता है, जिसके दिमाग में सारी चीज बैठ गई है उसको बार बार हर चीज को देखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छा अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?
बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसा रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की? ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने। पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर? बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट Thank you, Dr.